फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है माय न्यू हेयर स्टाइल। चले देखें इनका क्या हेयर स्टाइल है। अब ये सच्ची मुच्ची का हेयर स्टाइल होगा कि वो एक हमने किया था कोई एक हेयर स्टाइल, उसमें तो साफ लग रहा था कि कुछ ज्यादा नहीं किया उसको, बस सेट सुट इस टाइप से कर दिया है। तो देखते हैं इन्होंने कौन सा हेयर स्टाइल किया, मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करें। किसी भी वीडियो चैनल में हमारे नए वीडियोस आते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मैं बोलता हूँ यार, ये बाल इतने खराब क्यों लग रहे हैं आज? क्या तुम जानते हो मेरे बालों का राज क्या है? तंदूरी चिकन, वो भी हर रोज। मैं बालों को रोज तंदूरी चिकन लगाता हूँ। फोटोशॉप का किंग आ चुका है। लास्ट टाइम ये मेरा थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फोटोशॉप से ये भी कर देंगे। मैं अभी नींद से उठाऊ, एक्चुअली सच है मैं सो रहा था अभी ना, तुम लोग को विश्वास नहीं बैठता, अभी ना रात के 3:15 बजे है, मेरे सपने में ये आया था हरा भाई जोगिंदर, उसके ही मेरे अंदर ऐसा भवंडर जैसा एक सवाल निर्माण हुआ कि वो अपनी छाती पे इतनी बार मारता है तो वो लाल नहीं होता? तुम लोग को उसकी छाती से फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। देखो मुझे एक ये अच्छा फोटो मिला, मस्त लग रहा है। अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि टी शर्ट के अंदर इसकी छाती का क्या हालत होता है। हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसके हाथ से काम नहीं चलेगा, ये हाथों से बवंडर नहीं आता, परफेक्ट। तो अभी इसको हम लोग ऐसे रखेंगे यहाँ पे, दूर ये प्रॉपर फिट हो रहा है, मस्त लग रहा है, असली लग रहा है सच्ची। ये ब्रश लेने का, लाल कलर लेने का। भाई ऐसी चीजें करने के लिए मैं रात को 3 बजे उठता हूँ क्या? मस्त लग रहा है ना, ये वो ऐसे लग रहा है, वो इजगाड़ का एड होता है ना, खुजली आता है तो। दूर हमें ना क्या करना चाहिए मालूम है? इसको हम लोग यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालेंगे। बवंडर आ गया गाइस। रुको, मैं एक और चीज कर सकता हूँ भाई, रात के 3 बजे मेरे अंदर इतना आइडियाज आता है ना, अभी पूरा चीज एक साथ। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतना ही जिगाड़ लगा। ओके गाइस, ये तो बस एक शुरुआत थी, आगे मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि सीरियसली मैं रात के 3 बजे उठा और मैंने सोचा कि बहुत दिनों से फोटोशॉप की वीडियो नहीं बनाई है, मेरे पास सीरियसली और कुछ आइडिया है, एक आइडिया है मेरे पास। क्यों बशाला, ये क्या कर दिया उसने? अच्छा स्टाइल है, मुझे पसंद आया, एक्चुअली मस्त दिख रहा है। 8 लाख लाइक्स और मैं ये कर दूंगा, मैंने बोला था 8 लाख लाइक्स पे मैं ये करूंगा। 1.6 मिलियन लाइक्स आ गए फिर भी मैंने अब तक ये किया नहीं है। उसका कारण ये है कि आजकल हम नेटफ्लिक्स के साथ बहुत काम करते हैं, कल जाके उन्होंने मुझे कहा कि इसमें काम करना है, स्ट्रेंजर थिंग्स में काम करने का है अगले सीजन में, तो मैं आधा टकला बन के नहीं जा सकता। तुम लोग एक्चुअली ठीक से सुनो मैंने क्या कहा, तुम लोग ना ठीक से सुनते नहीं हो। 8 लाख लाइक्स और मैं ये कर दूंगा, 8 लाख लाइक्स और मैं ये कर दूंगा, कैसे कर दूंगा ये मैंने नहीं कहा था। देखो ये मेरा मैं किसी स्कूल ट्रिप को गया था ऐसे कपड़े पहन के, अजीब था सच्ची। हम लोग ने लेफ्ट साइड का ऐसे कट किया कि ये मेरे बाल है लेफ्ट साइड के, कि अभी हम लोग इस बाल को कलर करेंगे ऐसे। ओके बंदा ना मेरे को घूर के देख रहा है, प्लीज देख मत मुझे। अभी हम लोग यहाँ से इसको आधा टकलू बना देंगे। ओके आई थिंक इससे काम हो जाएगा, बताओ मुझे कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा सेम टू सेम, इसलिए मुझे फोटोशॉप बहुत पसंद है। हम लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अगर हमें जेठालाल को लाल बनाने का होगा तो हम लोग जेठालाल को लाल भी बना सकते हैं। अगर हमें ट्रिगर्ड इंसान को टाइगर इंसान बनाने का होगा तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। आगे क्या करना है और क्या आइडिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आज कुछ सोच के नहीं आया हूँ, किसी यूट्यूबर को मैं कर सकता हूँ फोटो। मुझे कब से ही करना था, मैं बेस्ट फ्रेंड अभ्युदय, इसका नाम अभ्युदय है पर स्पेलिंग अभ्युदया है, तो हम लोग इसको दया में बदल सकते हैं। पिछली बार मैंने गौतमी का मैगी नूडल्स बनाया था, इस बार मैं अभ्युदया का दया बना रहा हूँ, ये लोग मेरे को छोड़ने नहीं वाले। ये क्या है अहिला? रुको, ये बात है उस जमाने की, मैं जब बचपन में छोटा था, मैं मतलब अभ्युदय बचपन में मैं छोटा हुआ करता था, मैं रस्ते से जा रहा था, सामने पनवेल था, मैं अच्छा स्टोरी बता रहा हूँ, रुको, सामने पनवेल था, लेफ्ट में खारगर था, पनवेल के बाजू में लोनावला था और उसके थोड़ा सा आगे गोवा था, मैं भटक गया था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में आए एसीपी प्रत्येक। अरे रुको, एसीपी वो साइड देख रहे हैं, ये साइड करना पड़ेगा। आइए फिर मेरी जिंदगी में आए एसीपी प्रत्येक। उन्होंने मुझे बोनविटा दिया, चलो उन्होंने मुझे, फिर मैंने बोनविटा पिया और फिर उसके बाद दबा दिया अभ्युदया। दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुला रख दूंगा। अभ्युदय हो गया, अभी कौन और कोई है क्या यूट्यूबर टिकटॉकर व्हाट्सएपर? मैं ना मेरे पुराने फोटोज देख रहा हूँ भाई, ये मैं हूँ। तुम लोग को लगता है, तुम लोग को लगता है देख के ये मैं हूँ? मेरे को असली जिंदगी में फोटोशॉप करके कैसे पॉसिबल है ये मैं हूँ? मेरे को पहले से डाउट है, मैं बचपन में एक्सचेंज कर दिया था, ये आई थिंक मेरा फर्स्ट बर्थडे का फोटो है, उसके बाद मेरे को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे एक्सचेंज कर दिया। मुझे ये भी एक पुराना फोटो मिला। एक दिन क्या हुआ ना, मैं रस्ते से जा रहा था, रस्ते से नहीं भाजी मार्केट में जा रहा था, मैं भाजी लेने जा रहा था, वो साइड से शाहरुख खान आया, शाहरुख खान रस्ते पे भी ऐसे चल रहा था, वो मेरे सामने से आया, फिर वो मेरे और पास आ गए, देन ही वाज लाइक यू आर मित्र राइट, या आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोस यार, तुम्हारा
तुम्हारा माइनक्राफ्ट का सीरीज तो मुझे बहुत पसंद आता है, क्या तुम मेरे साथ एक फोटोग्राफ ले सकते हो? फिर जाके मैंने शाहरुख खान के साथ एक फोटो लिया। देखो कैसा आज के पसंद नहीं, मुझे लगता नहीं कि वीडियो 10 मिनट से लंबी बनी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे और कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। तो अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कुछ गफला होगा, पर मेरे को था कि हो सकता है कर दो। हर बार मैं ऐसी सोचती हूँ जब भी ये कहते हो सकता है कोई कर, जब वीडियो बनते है कि हेयर स्टाइल कोई कर ही दे, पर हर बार पता चलता है कि गफला है। जैसे अभी इसमें भी था, मैं पहले भी बोला था ना नहीं की थी जिसमें एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं था, पर मजेदार थी। मेरे को मैं ड्रीम में भी नहीं सोच सकती थी कि ये फोटोशॉप की बात करेंगे, पर इस बार मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार फोटोशॉप में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए हैं हम लोग। मैं पता नहीं कब स्कूल टाइम में शायद फोटोशॉप तब यूज किया करते थे, वो भी इतना नहीं करते थे, तब तो कुछ भी नहीं ऐसे फीचर्स होते थे। अब तो काफी ऐसे लग रहा है काफी अच्छे अच्छे फीचर्स कर दिए हैं। वो दिखाया था पता कि सिर दर्द था उसको टर्न करना था तो वो टर्न हो गया, पता नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो बड़ी हैरान होगी देखकर, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने एक और फोटो ली होगी जिसका मुंह इधर हो, पर जैसे वो कहते टर्न करना और क्लिक मारा वो टर्न होगी। मैंने कहा अरे वाह ये तो जादू है यार, खोपड़ी कैसे टर्न हो जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो जैसे ये कर रहे थे कि बॉर्नविटा डाला, सर्च किया बॉर्नविटा की फोटो आ गई बड़ी अच्छी सी पूरी कटी हुई, नहीं तो कहाँ आप लोग काटो कैसे काटो क्या करो, दिस वॉज अमेजिंग। तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी ना फोटोशॉप थोड़ा ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए इसमें फीचर्स क्या क्या है, क्योंकि कमाल का बना दिया है। वही ना टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है कि चीजें, नहीं तो पहले तो बेकार ही होता था, पेंट करते जैसे पेंट वाला होता था ना, पेंट कर लो कलर कर लो, उसी टाइप से मुझे लगता था वही बस होगा, बट दिस वॉज अमेजिंग। और बुद्धू तो बड़ा अच्छा बनाया कि अपनी बचपन की फोटो के ऊपर वो बोल्ड कर दिया और भैया मेरा ये है, पर थंबनेल में तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ था, थंबनेल तो वाकई लग रहा था कि भाई उसी टाइप का हेयर कट होगा, पर बढ़िया था। राइट नहीं, काफी अच्छा है कि फोटोशॉप में डेफिनेटली बहुत पावर्स हैं, मगर मेरे को ये हैरानी हो रही थी कि इनको नाइटमेयर आ रहे हैं जोगिंदर के। मतलब हो सकता है उन्होंने ऐसे ही बनाया जोगिंदर को रोज करने के लिए, मगर 3 बजे जोगिंदर के नाइट में आ रहे हैं, तो जोगिंदर ने अपना काम सही कर दिया नाइट में देने का सबको। तो वो और दूसरी बात सही है कि डेफिनेटली जैसे कह रहे हैं कि मैं वापस इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, फोटोशॉप में काफी पावर्स हैं और यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है यूएस में फोटोशॉप के ऊपर। कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक्ट्रेस एक तरीके से दिखती है उनको ले लिया, मगर उस दिन कोई फोटोशूट में ठीक नहीं लगी, तो फोटोशूट में कोई घपला है तो उन्होंने फोटोशॉप से ठीक कर दिया, बाद में शोर मच गया। एक जगह यहाँ पे बड़ा लॉ सूट हो गया था, वहां पे बाय चांस वो लेडी जो थी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं लगा सकते प्रेग्नेंट का, उन्होंने उसको कर दिया फोटोशॉप से, तो लेडी ने लॉ सूट कर दिया कि क्या मतलब है आपका। और एक जगह पे कोई थोड़ी हट्टी कट्टी लेडी थी, थोड़ी मोटी लेडी थी, उनको पतला करके लगा दिया, तो वहां पर भी लॉ सूट हो गया। तो फोटोशॉप में लोगों ने इतना जबरदस्त फोटोशॉप किया है कि कई जगह लोगों को इतना ऑफेंसिव लगा है कि तुम्हें क्या मतलब है, मोस्टली लड़कियों को, मोस्टली लेडीज को ये ऑफेंसिव लगा है कि तुमने मेरे को फोटोशॉप क्यों किया, क्या तुम बोलने चाहते हो कि मैं ठीक नहीं दिखती, तुमने मेरी इंसल्ट की है। उसके वजह से बड़े लॉ सूट हुए हैं यूएस में और अब मोस्टली यही हो गया, लोगों ने फोटोशॉप करना बंद कर दिया है। अगर आपको किसी को लेना है तो उसी तरीके से लीजिए, आपको नहीं पसंद तो उसको मत लीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर ऐसा हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई आपको अगर कोई भी कंपनी नेटफ्लिक्स वगैरह ले रही है इस, तो वो अपने पहले बताएंगे आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आप ऐसे ही दिखने चाहिए जैसे आप अभी दिख रहे हैं। कल को कोई भाई साहब कोई ऐसी चीज कर ले, मतलब बहुत रिड्यूस कर ले वेट, बहुत इंक्रीज कर ले वेट, तो वो फिर वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको नहीं करेंगे। तो कई लोगों के पास ये बाइंडिंग भी होती है कि आपको जैसे अभी दिख रही है तकरीबन ऐसा ही दिखना चाहिए जब हम लेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब ही नहीं वो देखने में वैसे नहीं है। वो तो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आप किसी एक्टर को चूज करते हैं कि भाई आपको हम फिल्म देंगे, मगर वो फिल्म है 6 महीने बाद, वो 6 महीने तक वो एक्टर पूरा बहुत ही सुकड़ा हो जाए या बहुत ही मोटा हो जाए, बहुत ही कुछ ऐसा कुछ कर ले, तो बोलेंगे अब तो आप उस कैरेक्टर में नहीं आ सकते, तो फिर वॉइड हो जाता है। मगर वो पहले बता देते हैं कि आपका कैरेक्टर ये है। और कुछ आपने एक्टर्स देखे होंगे जो वाकई वर्क करते हैं उस कैरेक्टर में आने के लिए, जैसे एक और था जिसमें आमिर खान ने किया था, काफी मसल्स बनाए थे, तो वैसे बहुत सारा होता है, बताते हैं ये कैरेक्टर है तब तक आपको रेडी होना है इस कैरेक्टर के लिए, तो उनको करना पड़ता है, कहीं को ज्यादा खाना पड़ता है, कहीं को डाइटिंग करनी पड़ती है, तो भी काफी अच्छा वीडियो था। नाइस यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।